की प्रदेश स्तरीय समीक्षा बैठक जयपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इंदिरा गांधी सभागार में हुई। बैठक में राजस्थान के सभी जिला अध्यक्षों, प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारियों, संगठन के प्रवक्ता इकराम राजस्थानी और अन्य सदस्य मौजूद रहे। राजस्थान में चुनाव से पहले ज्यादा से ज्यादा असंगठित क्षेत्र के लोगों को संगठन के साथ जोड़ा जा रहा है ताकि आगामी चुनाव में पार्टी को इसका सीधा फायदा मिल सके। इन सभी को ये पहली मीटिंग है, इसमें इनको जानकारी दी जाएगी कि ऑल इंडिया अनुरोध हमें क्या क्या काम है, क्या क्या काम पढ़ने चाहिए। दूसरा, जो अभी दिल्ली में अधिवेशन हुआ, राहुल जी ने सोनिया गांधी के नेतृत्व में जिस तरीके से इन्होंने कार्यकर्ताओं को ऊर्जा दी, जनता को जो ऊर्जा दी और बीजेपी के काले कारनामों को उन्होंने उजागर किया और ये बताया कि इन्होंने देश के अंदर 3.5-4 साल के अंदर क्या काम किया, ये सब चीजें इन्होंने जनता में जाने के बाद, ये ऐसा लग रहा है 2 दिन के अंदर कि जनता में और कांग्रेस जनों में एक ये नई ऊर्जा आई है। आगे आने वाले चुनावों के लिए ही ये एक शंखनाद है, ये एक ऐसा शंखनाद है जो बिल्कुल जनता में जागृति का नया संदेश देता है। जनता को इस बात को बताना हमारा कर्तव्य है कि पिछले 4 सालों में जो कुछ उन्होंने तकलीफ उठाई है, सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ वो गरीबों का, मजदूरों का, निर्धनों का हुआ है। कांग्रेस ही चाहती है कि इन सबको एक करके, इनको संगठित करके इनकी आवाज को बुलंद करे और इनकी आवाज के साथ ही वो फिर से नई शक्ति के साथ, नई ऊर्जा के साथ में शासन में आए ताकि इन व्यक्तियों की नुमाइंदगी कांग्रेस फिर से कर सके। और ये तय है कि धीरे धीरे ये सारा माहौल बदल रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान के तहत कोटा जिले में लगे हुए एनआरएचएम कर्मचारियों का आंदोलन लगातार